अच्छा, तुम्हारे याद है तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब है? तुम्हारे किसी को याद है? मेरा तो हो गया, तो अब नया नहीं आएगा? आएगा। कब आएगा नया? मेरे में जाएगा। अच्छा, अभी किसका बर्थडे आने वाला है? किसी को याद है अपना बर्थडे? कब आएगा? कितने महीने बाकी, कितने दिन बाकी, वो याद है? अच्छा, तुम सब कितने साल के हो, कितनी उम्र हुई तुम्हारी, पता है? नजदीक आ जाओ बेटा, नजदीक आ जाओ, थोड़े मेरे नजदीक आ जाओ। तुम्हारी तुम्हारी उम्र कितनी हुई, किसी को याद है कितनी उम्र हुई तुम्हारी? तुम 4 बरस की नहीं हो, तुम 5 बरस की कंप्लीट हो गई हो, तभी पहले दौर में हो। पहले दौर में पढ़ने वाले सभी बच्चे 5 साल के हो चुके होते हैं, तो तुम सब 5 साल के ऊपर हो, यानी 6 साल हो। हाँ, ये बराबर है, 6। तो 8 साल की है? हाँ, तुम 8 साल के बराबर, याद आ गया। तुम बीच में कहीं पढ़ी थी लेकिन नहीं गई, ऐसा है ना कुछ? अच्छा, और किसी को याद है? नहीं। सबको अपना घर का ब्लॉक नंबर याद है? तुम कौन से ब्लॉक में, कौन से नंबर में रहते हो, कौन से ब्लॉक नंबर में? तुम याद रखना, आज का लेसन है ये। तुम्हें घर जाकर, तुम्हें घर जाकर अपने मम्मी पापा से अपना ब्लॉक नंबर और घर नंबर याद कर लेना है। मेरे को याद है। ये आज का लेसन है, ठीक है? सबको क्या आज लेसन क्या है? दो चीज याद करके लाना है साजिदा। दो चीज बेटा, बात है नहीं, दो चीज याद करके लाना है। एक तुम्हारा ब्लॉक नंबर, दूसरा घर नंबर, ठीक है? हाँ, तुम्हारा क्या है ब्लॉक नंबर? अट्ठावालीस नहीं, 48। हाँ, घर नंबर याद है? नहीं। घर ना, तो घर नंबर अब याद करना है, ठीक है? ब्लॉक नंबर और घर नंबर दोनों याद करना है। ब्लॉक नंबर याद है कौन सा है? 33 के 17। तुम अभी मकान बदल दिए ना तुम? तो मकान बदल दिए ना तुम, तो वापिस 17 में रहने। ठीक है, जो भी हो, तुम एक नंबर के ब्लॉक में रहते हो? एक नंबर के ब्लॉक में मकान नंबर नीचे ही रहते हैं? दो नंबर का मकान है। अब याद रहेगा, 1 2 ब्लॉक नंबर, 1 घर नंबर, 2। देखो ये इसका कैसे हो गया, इस तरह सभी को अपना ब्लॉक नंबर घर नंबर याद करके लाना है। कौन सा है ब्लॉक नंबर? 47। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, सामने रहता है वो, शायद 35 या 31 नंबर है। तो फिर ले आए अनाज, ये अकेली घर जा आ सकती है? सही नहीं, सामने है वो बात तो बराबर, लेकिन अगर आप ना आओ, ऐसा हो तो अकेली आ जाएगी। तो आप आओगे लेने कि मैं अकेले छोड़ दूं? ना, घर सामने, इसने देखा है, पक्का आ जाएगी। अगर मान लो आप लेट हो तो मैं छोड़ दूं चले? उसमें ऐसा है बहन जी, मेरे लेट हो जाता है, फिर वहां स्कूल बंद हो जाती है, बराबर? तो मेरे अंदर से और थैली वेली सब अंदर रहता है, मेरा सब सामान पढ़ाने का चीज अंदर रह जाती है, सब ताला मार के चले जाते हैं। फिर तो आप थोड़ा अब याद, अब देख लिए, अब हमेशा से अनाज वहीं लेने जाना। उसमें ऐसा है, हर महीने 1-1 किलो है, ये 2 महीने का आया है। हाँ, हर महीने 1-1 किलो आता है, 1 महीने का 1 किलो गेहूं, 1 किलो चोखा। तो ये जो चिट्ठी है ना, वो 2 महीने की थी, इसलिए 2 किलो गेहूं, 2 किलो चोखा है, इसी तरह मिलते हैं अनाज। कभी 1 महीने की मान लो चिट्ठी आए तो 1-1 किलो ही होगा, और कभी मान लो 3 महीने की चिट्ठी आएगी तो 3 महीने का। ये 6ठे और 7ठे महीने का अनाज था, तो अब 10वां महीना आ गया, तो अब हो सकता है कि तुम्हारे 8वें 9वें 10वें 3 महीने का एक साथ आना जाएगा, तो 3-3 किलो होगा, समझ लिए? अब वहीं जाना है, अब याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, अभी रख दो बेटा, लाओ चेक कर दो। अरे मैं अभी चेक कर दूंगा, चलिए। अब आज का लेसन मैंने अभी से तुम्हें दे दिया, आज तुम्हें क्या करना है बेटा? आएगा बेटे, यहाँ से थोड़ा खिसक जाओ। किसको बेटा? किसको? हाँ, थोड़े नहीं, ऐसे मत करो, आगे आ जाओ।
ठीक है, बस तुम्हें सिर्फ देखना है बेटा, उसमें कुछ है नहीं, तुम्हें यहाँ कुछ टच करना है, कुछ लिखना है, ऐसा है नहीं। क्योंकि अभी चोपड़ी आई नहीं, चोपड़ी आई होती तो मैं तुम्हें चोपड़ी दे तो बोलता कि चोपड़ी लेकर आना है, तो मैं उसमें लिखा था, लेकिन अभी चोपड़ी आई है नहीं, तो अपने एक ही चोपड़ी है बेटा मेरे पास। हाँ वो एक चोपड़ी है मेरे पास, तो एक चोपड़ी में ही सब करना है, ठीक है। तो इसी में देखना है बेटा, उसमें कुछ है नहीं, तुम्हें दिख रहा है मैं जो पढ़ाता हूँ, तो जहाँ जहाँ से दिखता हूँ वहां से देखो, ठीक है। कौन सा ब्लॉक है? 28 नंबर का ब्लॉक है, गलत है, ठीक है। तो आज का लेसन ये है, तुम्हें तुम्हारे घर का ब्लॉक नंबर और घर नंबर दोनों याद करके लाना है, पक्का। हाँ अब याद करके लाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले, बस बेटा यहाँ देखो, सबसे पहले ये चित्र किसका है? वहाँ है। तो यहाँ जो लाल कलर के अक्षर है ना, ये लाल कलर के अक्षर, ठीक है। तो ये लाल कलर के अक्षर में आपको देखना है वहाँ का व कहाँ लिखा है, वो देखना है। ये लाल कलर के अक्षर में व कहाँ लिखा है? नहीं, दो नहीं है, बराबर देखो, बस अभी हाथ हटा दो, हाथ हटा। बेटे तुम हाथ इस तरह रखोगे तो बाकी के बच्चे क्या देखेंगे? हाथ नहीं रखना है, हाथ हाथ लगाना भी नहीं है इसमें। थोड़े पीछे किसको बेटा, ताकि वो लड़की भी देख सके, पीछे किसको थोड़े, बस। बेटे तुम वापिस इस तरह बैठ जाओगे तो बेटे दूसरे बच्चे कैसे देखेंगे? हाँ हाथ थोड़े बैठो बेटा, बस इस तरह बैठो तुम, बराबर। चलिए तो यहाँ से देखना है वहां का, तो ये निया देखो, वापिस तुम हाथ ला दिए, तो ये बच्चे ने बताया दो है वाहन का व, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। नीचे वाहन का व नहीं है, नीचे देखो व के ऊपर एक मात्रा भी है, तो वो तो वे हुआ, वे तो वे नहीं है, व ये वाहन है। तो ये तो अपने इन दोनों को देखिए, ये रहा वाहन का व, ये वाहन का चित्र, तो अपने ये दोनों को इस तरह जोड़ना है। ऐसा था, ठीक है। ये दूसरा चित्र किसका है? ये दड़ा। क्या है? दड़ा। तो दड़े का द, द कहाँ लिखा है? देखो हाँ, वापिस हाथ देखो, अब जो भी हाथ रख देगा मैं वहां बिठाऊंगा, हाथ रखोगे तो मैं वहां बिठाऊंगा, हाथ रखना ही नहीं है। ये लड़की ने बताया दो दड़े का द है, एक एक ये है, हाँ ये दड़े का द ही है, ये भी दड़े का द है, लेकिन ये दड़ा का द नहीं है। क्यों? दड़े के ऊपर देखिए एक मात्रा दिया है, बराबर, एक मात्रा दिया है, तो ये एक मात्रा वाला द नहीं, ठीक है, ये दड़ा का द है, द लाल कलर का। तो इसको इस तरह से यहाँ जोड़ा, देखिए ऐसा नहीं है बेटा, सभी ने बताया। पीछे किसको बेटा? वापिस आगे आ गए, अलीजा पीछे पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, बस बस तुम नजदीक आते हो तभी तुम छूते हो, नजदीक आओ ही मत, ठीक है। चलिए तीसरा चित्र किसका है? तुम्हें सिर्फ देखना है, तीसरा चित्र किसका है? सगड़ी। सरणी का है? सगड़ी, ठीक है, सिगड़ी नहीं, सगड़ी, सगड़ी, सिगड़ी नहीं, सगड़ी। तो अब इसमें स कहाँ लिखा है मैं बताऊंगा, ठीक है, आप रुकिए। क्या ये स है? नहीं। ये स है? नहीं। ये स है? ये स है? हाँ आपने कल लिखे थे, ये स है, ये स है। तो ये देखिए लिटी मारेली है, ये लिटी मारेली है, ये हमें बता रहे हैं कि इस तरह जोड़ना है, ठीक है। अब चौथा चित्र किसका है? बस बेटा चौथा चित्र किसका है? खिलौना नहीं, रमकड़ा। तो रमकड़े का र कहाँ है? वो अब मैं जब वापिस पीछे बैठ जाओ, वहां चले जाओ, भेज दो, अब हाथ नहीं, मैं पूछूंगा आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए ये रमकड़ा का रह है, देखिए हे रमकड़े का रही है, दूसरा इसके नीचे है, लेकिन ये रमकड़े का रह नहीं है, उसके ऊपर मात्रा है, तो वो तो रे हुआ, रे, तो रे नहीं, र, ये रहा। आप देखिए र सबको दिखता है, र, हाँ, तो ये रमकड़े का र को हम यहाँ र से र जोड़ देंगे, ये हो गया, चलो समझे। अब किसका चित्र है वो बताइए? रेलगाड़ी। तो देखिए अब र है, लेकिन र नहीं, रे, अब रे ढूंढना है, रे कहाँ है? चलो ये रे है, नहीं। ये रे है, नहीं। ये है, नहीं। ये है, नहीं। ये, नहीं। ये, नहीं। ये रे है, देखो र के ऊपर एक मात्रा, रे, तो ये रेलगाड़ी को हम इस तरह जोड़ेंगे, ये हो गया रेलगाड़ी,
चल समझे। चलो रेलगाड़ी के बाद बेलन नहीं वेलन। तुम बेलन बोलते हो वो हिंदी में, अपने गुजराती में बोलेंगे वेलन। वेलन वे, तो अब हमें ढूंढना है वे बराबर। अब मैं नहीं हाथ नहीं मैं पीछे बिठा दूंगा, हाथ नहीं मैं पूछूंगा आपको बताना है ठीक है। चलिए ये वे है, ये है नहीं है, ये वे है बिल्कुल नहीं है, ये है वे ये भी नहीं है, ये है ये है ये व है। अपने ढूंढना है वे, ये तो वह है वाहन का वह है, देखो हमने जोड़ दिया है ना। तो अब जो बाकी है उसमें से ढूंढना है, तो दो बाकी रह गए, एक ये जोड़ना बाकी है ये जोड़ना बाकी है। तो अब इन दोनों में से कोई एक वे है, तो क्या ये वे है नहीं, ये वे है ये रहा वे, तो वे से वेलन को हम जोड़ेंगे हो गया। चलिए अब छेला चित्र किसका है, डेढ़ को। आप हिंदी में बोलते हो मेंढक, लेकिन गुजराती में बोलना है डेढ़ को, तब डेढ़ को, डेढ़ को ढूंढना है, डेढ़ को का दे ढूंढना है दे। तब देखो एक ये देखो सभी चित्र जुड़ गए, ये एक ही बाकी रहा, तो सामने भी एक ही बाकी है, कौन सा बाकी है ये वाला, तो ये दे ही लिखा है दे। तो देखिए ये हो गया डेढ़ को का दे, हो गया कि नहीं। हाँ अब ये पूरा जुड़ गया। अब जब भी ये चोपड़ी आएगी मैं आपको दूंगा, तब इस तरह जोड़ना है आपको ठीक है। अब ये है इसमें घोटना है, हाँ इसमें घोटना, एक एक बार नहीं चोपड़ी है तो तुम्हें तो दस दस बार घोटना है, मैं एक एक बार बताऊंगा आपको समझे। मैं एक बार बताऊंगा आपको तो दस दस बार घोटना है, कितनी बार दस। तो देखिए वह किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ बताया है बेटा, यहाँ देखो माहिरा, हाँ यहाँ देखो, देखो यहाँ लिखा है एक नंबर, जो लिखा है एक नंबर एकड़ा लिखा है, तो एकड़े को हमें इस तरह से, एकड़े को इस तरह बस यहाँ तक लाना है। अब दो नंबर दिख रहा है, ये दो नंबर, अब यहाँ से इस तरह दो नंबर, तो ये हो गया वह ठीक है। मैं पांच बार लिखता हूँ, आप पांच बार बोलिए, आपको दस बार लिखना है जब बराबर, जब भी दू तब। देखिए ये हो गया वो, देखिए यहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ कहाँ जाओगे तुम, घर कैसे जाओगे अकेले, नहीं ऐसे नहीं चलता ना बेटे। अभी देखिए किसी का घर यहाँ यहाँ बैठे उसमें से तो किसी का भी घर नहीं है, अरसिन होती थी उनकी मम्मी को बोलता, आपको घर से ये सब बेटे करके ही आना है, यहाँ नजदीक भी किसी का घर नहीं है। नहीं बेटे इस तरह नहीं चलता, मैं अकेले नहीं भेजता, किसी को भी नहीं भेजता, तो फिर इसका घर कल यहाँ, इसका घर बाजू में है, फिर भी मैंने एक बार उसको छोड़ने गया था, फिर उसकी मम्मी को बोला मैं अकेले नहीं भेजता, आई है तो अभी रुकिए बाजू में कोई हो तो बराबर, मैं देखता हूँ। देखो बाजू ये छेले अरसिन का घर, देखा छेले वो है घर पे, हाँ इस बाजू अरसिन का घर देखो, तो वो उसकी मम्मी है, देखे तो बेटे अब से घर से सबको ये सब चीजें पूरी पेशाब और सब करके आना है ठीक है। यहाँ कोई अब ताला है, ये आ गए बहन जी, एक काम करिए ना, ये लड़की को जाना है, ये इनको जा बेटा जा, बेटा अब से घर से करके आना है ठीक है बेटा, अब से मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा, या इस तरह बोलोगे नहीं, एक घंटा ही आना, एक घंटे में भी आप करोगे, घर से करके ही आना है बेटा ठीक है। जाइए अभी एक बार तो करके आइए, जाइए। चलिए ये वह हो गया, देखिए मैं पांच बार में लिखता हूँ, आप पांच बार बोलिएगा ठीक है। यहाँ से शुरू करना है, हो गया वह बराबर, यहाँ से शुरू हो गया, ये लिखेंगे वह, तो इस तरह वह 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 इस तरह लिखना है ठीक है। वह के बाजू में देखिए क्या है, ऐसे मत रखो बस, ये क्या लिखा है बेटा, र, क्या लिखा है, आप मत बोलिए ल नहीं र, एक आप बोलिए मत र, र बहुत अच्छे चलो ठीक है, र बराबर, र तो र को किस तरह लिखेंगे, अपने जो एकड़ा बगड़ा लिखते हैं बेटा,
अभी यहाँ ध्यान, अपने जो एकड़ा बगड़ा जो अपने लिखते हैं ना, तो उसमें बगड़े बे जो होता है दो नंबर, ये यहां से इसे गोल गोल करके और गोल करना है, फिर नीचे से लिखना है रो। आपको देखना है सिर्फ, ठीक है, देखिए यहां से, यहां से र को इस तरह एक नंबर लिखा है, ये र गोल करके यहाँ धीमे एक ही बार बोला है, ऐसे लंबा र ऐसे लंबा नहीं करना है ये क्या तो र ऐसे नहीं करना है, र ऐसे बोलना है, र र वो भी नहीं, र ऐसे भी नहीं करना है, र ऐसे भी नहीं करना है, र एक भाई तेरा नाम बोल दो, तो माहेरा में र आता है, तो उसमें तुम क्यों ऐसे क्यों नहीं बोलते माहेरा, ऐसे क्यों नहीं बोलते, तेरा नाम माहेरा है कि माहेरा, माहेरा है ना, तो र को र ही बोलना है, र को र ऐसे करके नहीं बोलना है, र र बस समझ लिए, र देखिए र बराबर। अब र के बाद बस, अब देखो र के बाद स है, स को इसी तरह पहले र के तरह इस तरह पहले लिखना है, फिर यहां से एक लिटी करनी है और फिर ऐसे करना है स। वापिस मैं देखूं, यहां से शुरू करके इस तरह नीचे जाना है, यहां से लिटी करके इस तरह स, स समझे पक्का, और स के बाजू में है द, दड़ानुदा, बहुत अच्छे, स के बाजू में क्या है वो बिल्कुल इजी है, यहाँ से इस तरह जाके गोल करके इस तरह द, आपने कल लिखाए थे याद है, ये चारों अक्षर लिखाए थे, ये भी है द, और ये क्या है मात्रा, बहुत अच्छे, ये क्या है साजिदा मात्रा, मात्रा मतलब ये सभी शब्दों के ऊपर इस तरह का मात्रा जुड़ता है, ये एक लिटी मातला नहीं मात्रा, मातले में से तो पानी पीते हैं, ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ भी इस तरह लिखना है, हाँ बराबर, ये पढ़ता, ये पढ़ना है और लिखना है, यहाँ देखिए टपके टपके भी दिए हैं, दिख रहे हैं, ये टपके टपके के ऊपर लिखना है, हाँ उस तरह, देखिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ देखिए ये है वो बराबर, तो यहाँ पहले लिखना है इस तरह व, फिर ये टपके के ऊपर लिखना है, टपके के ऊपर ये हो गया व, बस बेटा याद ध्यान रखो, ये हो गया यहाँ व, बोलिए व, देखो वापिस लंबा हुआ व, ये क्या तुम कर का तो एक ही बार बोलना है व, क्या वो, बस एक ही बार ऐसे लंबा लंबा करो, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सब बकरियों को पढ़ाता हूँ, यहाँ बकरी है सब, र बोलता हूँ तो र करते, व बोलता तो वा करते, एक ही बार बोलना है, बकरी मत बनो, बच्चे बनो, ठीक है, बच्चे हो तो बच्चे की तरह बोलो, बकरी की तरह मत बोलो, ठीक है, बहुत हंसता है, क्यों इतनी हंसी आ रही है, ये तो देख, इतने क्यों हंस रही हो, देखो तुम्हें इसको देखोगे तो भी तुम्हें हंसी आ जाएगी, देखना बोलो तो वो कौन बोलता है, तो लंबा कौन कर, बकरी की तरह कौन लंबा करता है, वो नहीं, यहाँ से आवाज आती है बकरी की तरह लंबा होने की, ठीक है वह, चलिए देखते चले, अभी बहुत हंसी हो गई पढ़ाई, ठीक है वो, तो ये जो टपके टपके दिए हैं उस तरह यहाँ जोड़ना है, वो 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 वो। अब देखिए ये मैंने चोपड़ी उल्टी इसलिए पकड़ी है, देखिए बराबर ध्यान से, ताकि तुम्हें दिखे अच्छे से, लेकिन अब मैं है ना इस तरह चोपड़ी पकड़ के लिखूंगा, क्योंकि हमें इस तरह लिखना है, ये मेरे लिए सीधी चोपड़ी हो गई, तब मैं नीचे में लिखता हूँ वह, आप देखिए वह किस तरह लिखेंगे,
यहाँ दो लाइन है, देखिए ब्लू कलर की दो लाइन है, एक ऊपर है ये रही, एक नीचे ये, तो ये दोनों लाइन को छूते हुए लिखना है। हाँ दोनों को ऐसे छूते, देखिए इस तरह, वह देख रहे हो वह, फिर यहाँ वापिस लिखना है वह, फिर वापिस लिखना है वह, फिर वापिस लिखना है वह। देखिए बेटा कोई कोई बच्चे कैसे करते हैं पता है, एक मिनट लाओ तो ये पेंसिल, ये है ना इस तरह लिखते, ऊपर और नीचे की लिटी को छूते हुए लिखना है, लेकिन कभी कभी बच्चे किस तरह करते हैं पता है, इस तरह देखिए, ये क्यों गलत हुआ, हे सही, मैंने वो तो सही लिखा लेकिन गलत है, क्यों गलत है पता है क्यों, हाँ लिटी के नीचे है, हमें तो ये दो लिटी के बीच में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ देखिए दो लिटी के बीच में ही लिखा हुआ है ना, बस दो लिटी के बीच में ही है, तो यहाँ भी दो लिटी के बीच में ही लिखना है वो। कुछ काम था नहीं, अच्छा लेने आए हो किसी को, नहीं लेने नहीं, मैं देखने आया था छोकरी को, कौन है छोकरी, मायरा, हाँ इसके पापा हुआ, हाँ अच्छा ठीक है, ले जाने हैं कि नहीं यार पढ़ा रहे, वो पढ़ाई है अब, यहाँ तो देर लगेगी थोड़ा, अभी आधे घंटे और पढ़ाई होगी बराबर, मैं देख रहा हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है बराबर, कुछ काम ना हो तो फिर, वरना बच्चे का ध्यान वहीं जाएंगे आपके, वो बच्चे बच्चे जितने मेरे साथ रहेंगे उतना अच्छा है, तो बड़ा ही ध्यान दे, वरना कोई कोई मान लो आते रहता है सबका ध्यान वहां जाता है, तो बराबर देख लीजिए कोई आता है, ऐसे नोटबुक मिलेंगे ये मिलता है अपने सरकार से आता है, ये बाहर बाजार में नहीं मिलती, नहीं और सरकार को भेज देना चाहिए, हर साल आ जाती है, लेकिन इस साल सरकार नहीं भेजी, सरकार बोलती है आप ऑनलाइन ही पढ़ाओ, अब ये चोपड़ी असल में तो अब तक आ जानी चाहिए लेकिन अभी तक आई नहीं, अब आई है नहीं, तो ये दो चोपड़ी पड़ी है मेरे पास, एक मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, दूसरी यहाँ लाता हूँ, अब ये एक ही अभी मान लो आ गई होती तो मैं सबको दे देता, तो सबको वो सबको साथ में, तो मैं उनको लिखाते जाता, लेकिन है नहीं, तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ वो देखते है, मतलब घर पे लेसन देता हूँ नोट में लिखने का, ठीक है, तो अभी ये दिवाली तक आ जानी चाहिए लेकिन नहीं आई, नहीं वो सीख जाएगी, आप थोड़ा भरोसा रखो अभी तो शुरुआत है, आप क्या काम करते हो, मैं प्लम्बिंग का मजदूरी काम, ठीक है अभी मान लो मैं प्लम्बिंग के मजदूरी के काम में जाऊँ तो मुझे कुछ आता है नहीं, थोड़ी तो देर लगेगी, टाइम लगेगा, हाँ तो ये ऐसा ही है, ये बराबर समझिए, आप बहुत प्लम्बिंग के काम में आगे हो, अभी इसकी पढ़ाई की तो शुरुआत है, तो अभी पूरा एक साल लग जाएगा, कभी कभी बच्चों का एक साल लग जाता है लिखने, हाथ की पकड़ बैठने में, तो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उसमें जरूरी है कि वो हर रोज कुछ ना कुछ करे तो होगा, मुझे प्लम्बिंग का काम सीखना है तो मैं हर रोज तुम्हारे साथ जाऊं कुछ करूं तो मैं सीखूंगा, वरना अखाड़े में एक दिन आऊं एक दिन कुछ करूं तो नहीं आएगा ना, ये उसी तरह है, ठीक है चले बेटा यहाँ ध्यान रखो, ये मैंने चोपड़ी पहले मैंने उंधी पकड़ी थी ऐसे ताकि आपको देखे सीधा, अब मैं पकड़ता हूँ इस तरह, क्योंकि आप मुझे लिखना है और ये बच्चों को भी दिखाना है किस तरह चोपड़ी पकड़नी है, किस तरह क्या करना है, इसलिए ठीक है, तो देखिए अभी बाकी है यहाँ दो लाइन के बीच में ही लिखना है व, ऊपर और नीचे की लाइन को छूते हुए लिखना है व, वापिस लिखेंगे व और छिल्ले भी लिखेंगे व, अभी देखिए और एक लाइन बाकी है, तो उसी तरह यहाँ भी लिखना है वह, बेटा यहाँ ध्यान दो पलकनाश, एक सीधी सी बात बोल देता हूँ बेटा, जब पढ़ाई चालू हो तब पढ़ाई में ध्यान दो, और किसी में भी ध्यान दिया ना बेटा मैं घर पे भेज दूंगा, समझ रहे हो, रख दो वहां पीछे, और तुम लेने क्यों गए वो सब चीजें, यहां बैठ जाओ और अभी जो लिखा रहा हूं उसी में ध्यान दो, बोलो दो लाइन को छूते हुए लिखना है वो, वापिस यहाँ लिखेंगे वो, ये मैंने चोपड़ी सीधी पकड़ी हो तुम्हें भी इसी तरह पकड़ना है, और ये मैं उल्टी चोपड़ी इसलिए पकड़ता हूँ ताकि आपको सीधा दिखे कि इस तरह लिखना है वो, देखिए इस तरह दो लाइन को छूते हुए, लेकिन मैं अब चोपड़ी पकड़ूंगा ऐसे, समझ लिए, यहाँ लिखना है वो और यहाँ आएगा वापिस वो, वो वो और वो, देख रहे हो वह कैसे लिखते हैं, हैं? अब कौन सा अक्षर आया, कौन सा आया, र, र, ठीक है, तो र इस तरह देखिए, तुम बगड़े बे लिखते हो, एकड़ा बगड़ा में दो नंबर जो लिखते हैं ना उसे बे,
तो बस यहाँ देखो टपके दिए हैं, टपके के ऊपर ही लिखना है सभी को। देखो ध्यान से देखो, टपके दिए ही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से शुरू करके नीचे करके इसे लिखना है र, ठीक है। यहाँ भी लिखना है र, बोलते जाओ र र। नहीं ऐसे नहीं, मैं जैसे लिखूं वैसे बोलते जाना है, वरना ऐसे तो मैं बोल जाऊं र र र र र तो इतने जल्दी मैं थोड़ी मैं लिख पाऊंगा। ऐसे नहीं, मैं जैसे लिखूं वैसे बोलना है, ठीक है। र आपको लिखना है, मेरे साथ लिखना है, आपको मेरे साथ लिखना है। हाँ कोई आपको मेरे साथ लिखना है। चलिए नोट ले लीजिए, मैं यहाँ र लिखता हूँ, तुम तुम्हारी नोट में र लिखो, ठीक है। ले आओ, क्या लेकिन अब तो तुम जा रही हो तुम्हारे मामा के घर, तुम्हारे मामा के घर तुम जा रही हो, तुम मामा के घर नहीं जा रही हो। हाँ वो मामा का घर नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे मामा है, वो वहां रहते जलगांव रहते। चलो ले लिए नोट ले लिए, नोट ले लिए। चलिए मैं यहाँ र लिखता हूँ, र लिखना ना आए बेटा ध्यान से सुन लो, यहाँ ध्यान दो। अगर आप हाँ देखिए, कल मैंने जो लिखा है था ना ये, उसके बाजू में लिखना है। जैसे कि मान लो तुमने ये लिखा है यहाँ, उसके बाजू में लिखा। हाँ वो अभी अभी बैठ जाओ, अभी यहाँ बाजू में लिखो। हाँ बाजू में लिखना है, लो हाँ वहाँ। चलिए मैं यहाँ यहाँ, अगर ऐसा हो देखिए देखिए इस तरह हो, मान लो इस तरह है, तो तुम्हें क्या करना है, ये एक पाना घुमा के यहाँ पीछे लिखना है, ठीक है। हाँ पाना भर गया, हाँ तुम्हें वहाँ लिखना है। चलिए आप जहाँ चाहो बैठ जाओ, हाँ मैं यहाँ, आप बैठ जाओ बेटा वहीं बैठ जाओ, सिर्फ लिखना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा, सुनिए ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ लिखूंगा, आपको अपनी नोट नहीं, र से ही लिख लो, र से ही लिखो, ठीक है। कितनी लाइन लिखनी है, तीन, यहाँ तीन है तो आपको भी तीन लिखना है, ठीक है। हाँ नोट नहीं, नोट ले लो, तुम बैठ जाओ फटाफट लिखना शुरू करो। चलो र, चलिए हाँ नहीं वह नहीं, र लिखना है, र व नहीं, हाँ व नहीं, र व नहीं, र ही लिखना है, र व नहीं, व नहीं र, मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखना है, र र। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ र, आप भी देख देख के लिखिए, चलिए जैसा आता हो वैसा लिखिए, और बाद में हाँ ले लो। चलिए ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ र, तुम अपनी नोट में लिखो र। चलो पहली लाइन लिख दो र र र र र, ऐसे लिख दो, पूरी लाइन लिखनी है हो, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लाइन लिखो। हाँ लिखो, आ रहा है र र, यहाँ लिखो र, यहाँ लिखो र। आप थोड़े छुट्टे छुट्टे बैठ जाओ तो भी चलेगा, वो नहीं बेटा र लिख रहा, वहीं बैठ जाओ चलेगा। बेटा थोड़े पीछे खिसको, हाँ एक मिनट पीछे खिसको, चलो माहिरा पीछे पीछे और पीछे और पीछे, बस भेजा ना, र लिखना नहीं आता तुम्हें। हाँ बस बेटे बोल बोल मत करो, लिखना शुरू कर दो, लो र लिखना शुरू कर दो। नहीं तुम्हें आता है र लिखना, र लिखना आता है, मैंने देखे, बुझाना नहीं है, यहाँ से लिखना बाजू में से लिखना चालू कर दो। चलो र, चलो पूरी एक लाइन लिख दो, मैं तीन लाइन लिखता हूँ, तुम एक लाइन, हाँ बस उसी तरह एक लाइन आप लिखो, मैं तीन लाइन लिखता हूँ, बोलते जाओ लिखते जाओ। हाँ रमकड़े का र, देखिए बेटा एक एक बात गलत हो रही है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखना है। नहीं वो वही लिखती है, लाइए बेटा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, नहीं वह नहीं र र। देखिए यहाँ देखिए, ये नोट में देखिए बेटा, ये नोट में देखिए, तुम सब गलत लिख रहे हो, गलत मत लिखो बेटा। ये नई नोट तुम बीच में से क्यों लिख रही हो, लाइए नोट लाइए, ये जब नई नोट है तो यहां से लिखो ना आप, ठीक है यहां से लिखो, बीच में से नहीं लिखना है। देखिए बेटा तुम गलत लिख रही हो, अरसिन सभी बच्चे गलत लिख रहे हैं, तुम भी गलत लिख रहे हो, देखो क्यों गलत हो रहा है पता है बेटा, तुम भी गलत लिख रहे हो, तुम भी गलत लिख रहे हो,
नहीं तुमने भी गलत लिखा, सभी बच्चों ने, मैंने देखा, सुनो बस बेटा आप सुनो, सभी बच्चे गलत लिख रहे क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें यहाँ देखिए दो लाइन को छूते हुए अपने लिखते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी दो लाइन को छूते हुए लिखना है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को छूते हुए लिखना है। र लाइन को छूना है, ऊपर और नीचे दोनों की लाइन को छूते हुए लिखना है। र र र इस तरह देखो देखो ऊपर और नीचे दोनों की लाइन में मैंने कैसे छूते हुए लिखा, देख रहे हो उस तरह लिखो। छ नहीं र, वो उल्टा लिख दिए तुम, लाओ उल्टा क्यों लिख रहे हो, यहाँ ऊपर और नीचे की लाइन को छूते हुए लिखो र, ठीक है। अभी गलत लिखा है तो भूसने की जरूरत नहीं, नीचे की लिटी में सही लिख दो, मिटाने की जरूरत नहीं। हाँ बस माहिन बहुत अच्छे, लिखना शुरू कर दो। चलो मैं भी नीचे की लाइन में दोनों लाइन को छूते हुए लिखूंगा, र र र र र र र र र। चलो मैंने दूसरी लाइन लिख दी, आप भी लिखो, पहली लाइन पूरी करो, ऊपर और नीचे की लाइन को छूते हुए लिखो। बहुत अच्छे बेटा, हाँ बहुत अच्छे लिखो। चलो मैं तीसरी लाइन लिख रहा हूँ, र र र र र, इधर आओ बेटा, र र र र र। जो जिसको अभी भी नहीं आता वो मेरी चोपड़ी में देखे, मैं लिख रहा हूँ स, यहाँ से र को लिख के इस तरह हो जाएगा स, ठीक है। फिर और र को लिख के लिटी करके उभी लिटी करो स, बस अभी लिखना शुरू कर दो। चलो स, हाँ बस उसी तरह लिखना शुरू कर दो, एक लिटी तो एक लिटी लिखो, एक बार तो एक, हाँ बस बहुत अच्छे, एक बार तो एक बार लिखो, खुद से लिखो, तुम्हें आ जाएगा बेटा, अच्छे से आ जाएगा। हाँ लिखो बेटा स, मैं दूसरी बार, कहाँ है, लाए हो पानी, लाए हो, नहीं मैंने आज भी आज बोला, छेली बार बोल रहा हूँ अब से, घर से अभी देखे 10 मिनट में छूट जाएगी, फिर घर जाकर पी लेगा। तुमने र लिखा है, मैं अब पढ़ा रहा हूँ स, ठीक है। स लिखो बेटा, साजिदा तुम्हें स भूल जाती हो, तुम स लिखो अच्छे से, हाँ बस लिखो, घुटो मत बेटा, घुटना नहीं है, स को लिखना है, स स स स स स स, हाँ बस बहुत अच्छे। चलो लिखना शुरू कर दो स, बेटा र नहीं स, देखिए ये सब तुमने र लिखा, ये र लिखा, र नहीं स, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। चलिए ये आगे क्यों बाकी रखे, आगे की जगह क्यों बाकी रखी, आगे भी लिखो, ठीक है, पूरी लाइन लिखना है, बहुत अच्छे बेटा, हाँ लिखो बेटा, बहुत अच्छे स, बस बेटा बहुत अच्छे। क्या माहिरा, माहिरा बहुत अच्छे, मैंने देखा तुम अच्छे से लिख रहे हो। तुमने यहाँ क्यों लिखे, आगे का पाना कोरा है तो पाना, एक एक पाना फेरो तो, पाना फेरो, पाना पाना फेरो, और फेरो, और ये सब पाने क्यों छोड़े, लिखने की वजह छोड़ो, बस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ, ठीक है। उजमा पाना ऐसे बिगाड़ना नहीं है, हाँ बस लिखो लिखो लिखो। देखिए मैंने दो लाइन लिख दी, अब तीसरी लाइन लिख रहा हूँ, तुम एक लाइन लिख दो। चलो स स लाइन को छूते हुए, ऊपर नीचे दोनों लाइन को छूते हुए लिखो, स स स स स स, हाँ चलिए बस। हाँ नीचे लिखो, एक लाइन पूरी हो जाए तो ओके, अगर एक लाइन हो गई तो दूसरी लिखो। हाँ एक, चलो हो गया, स लिखा, वो पूरी लाइन लिख दो, ये पूरी लाइन खत्म कर दो स की, 5-10 मिनट। हाँ हाँ घर घर जाके लिख देंगे। चलिए अब छेला अक्षर लिखना है द, देखिए मैं वापिस यहां से बताता हूँ द किस तरह लिखना है। देखिए
चलिए बेटा अभी लिखना बंद, अभी देखना चालू, अभी देखना चालू, लिखना बंद, अभी देखना चालू, बस अभी देख, अभी लिखना बंद, देखना चालू, जहां हो वहां रुक जाओ, अली जा, अभी सिर्फ देखो, जो बाकी है उसे छोड़ो, अभी नया सीखो, ठीक है। द किस तरह, तो यहां से करना है द, द ऐसे मत बोलो, दड़ानो, द सिर्फ दड़े का द नहीं होता, द से बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सिर्फ द है, द को द ही बोलो, दही का भी द होता है, दही, दही का भी द होता है, दही खाए हो कभी, दही, दही का भी द होता है, तो द को द ही बोलो, हाँ, द को दड़े का द नहीं, ऐसे मत बोलो, द बस ऐसा, द, द बहुत इजी है, आधा गोल करना है फिर वापिस गोल करके इस तरह, द, 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 चलो लिखना शुरू कर दो, द, हाँ नीचे, बस जो बाकी है छोड़ दो, नीचे द लिखना शुरू कर दो, हाँ नीचे द लिखना शुरू कर दो, चलो दो, 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 चलो मैं पहले लिखता हूँ कि तुम पहले लिखते हो, देखते चलो कौन हरीफाई लगाते, दो, दो, हाँ बस लिखो 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 लिखो, तो आज वापिस लेसन में क्या है तुम्हें, वापिस लेसन में तुम्हें, हाँ बस वापिस लेसन में तुम्हें यही लिखना है, व, र, स और द, समझे, कल मैंने जो लेसन दिया है वही लेसन है। और दूसरी बात और ध्यान से सुन लो, समझ लो, आज शुक्रवार है, कल शनिवार, तो अपने शनि रवि दो दिन नहीं आते यहाँ, अब सीधे कब